ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟର କେଭାଡିଆର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେଭାଡିଆର ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଜି ସେକୁଲାର ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରେରଣା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶକ ପରେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂକଳ୍ପ ପୂରା ହୋଇଛି। 70 ବର୍ଷ ହେବ ପୁରା ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦେଶଭକ୍ତ ଜନତା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से, खेत में उपयोग किए हुए औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया। क्योंकि सरदार साहब लोह पुरुष थे, किसान पुत्र थे, इसलिए लोहा और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है। यहां पर एकता नर्सरी बनी है, यहां विश्व वन है जहां दुनिया के हर महाद्वीप के पेड़ पौधे हैं, यहां चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क हैं, जहां पूरे देश की हेल्दी फूड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। यहां आरोग्य वन है जहां देश की अलग हिस्सों की आयुर्वेद परंपरा का, पौधों का समावेश है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए यहां एकता मॉल भी है जहां देश भर के हैंडीक्राफ्ट्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।